हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रिभा इमरान एक्सपोजेस सना अमजद। रिभा की जुबानी सुनो वो अनटोल्ड स्टोरी। भाई चलिए देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। अभी हमने कल किया था जिसमें यही क्या नाम है इसका, सना और वो को दूसरा कौन है, शोएब शायद था, दोनों के बीच में अपनी चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं। और ये जो सना है, अगर आप इसको देखोगे इसके पहले के वीडियोस, इतनी एंटी इंडिया थी, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करती है उसमें जहर जैसे कहते हैं ना, कोई उगल रहा है इंडिया के खिलाफ, वो उगलता हुआ नज़र आता था। और अब देखो कि कैसे उसने अपने आप को ऐसा वो चेंज करने की कोशिश की है, अंदर से वैसी है पर चेंज मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि उसने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कुछ ना बोले और इंडियन ऑडियंस को भी बेवकूफ बना के सारी व्यूज। देखिए जो भी कर रहे हैं एंड ऑफ द डे इंडियन ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं सब के सब, क्योंकि ये सब फालतू कामों से अगर इंडियन ज्यादा देख रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। ये इस साइड की तू तू मैं क्या फर्क पड़ता है उनका, कहाँ का यूट्यूबर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पाकिस्तान यूट्यूबर पाकिस्तान की ऑडियंस को करने दो, इंडिया के ऑडियंस को ट्रैक कर रही है तो अपना पैसा भेजना चाहते हैं उनको। मेरे को तो यही बेसिक लेवल पे समझ नहीं आता, हु केयर्स। नहीं, और मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को जो है उनसे पूछोगे उन्हें पता ही नहीं वही है कौन, वही तो सिर्फ इंडियंस को ही पता है क्योंकि इंडियंस ही जाके इनके यूट्यूब चैनल को देखते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है तो उनको कुछ करना पड़ेगा। इट इज हाई टाइम। इतना पैसा जो है इंडियंस, जो ऑडियंस है इंडियंस ऑडियंस पाकिस्तानी चैनल का, बहुत पैसा आप उनको भेज रहे हो उस कंट्री को। कोई एक्शन इंडियन गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है अब लेना चाहिए, क्योंकि खाली ये पैसा नहीं जा रहा, अब ये लोगों के ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अब लोग जो है प्रो पाकिस्तान बनते जा रहे हैं इनकी बातें सुन के। ये तो कर रहे हैं एक्टिंग, और यहाँ पे बैठे हुए लोग जो है प्रो पाकिस्तान बने, देख नहीं रहे हो क्या क्या न्यूज आ रही है और किस तरह से हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। कि यार किसी की लाइफ तबाह करने का आप कैसे सोच सकते हैं? ये पहले बाहर जाती थी ना करने, तो इस पे अटैक उठू करवाया। डिप्रेशन में रही, किसी से बात की इतनी करती थी, लिटरली मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती कि जो मामलात मेरे साथ किए गए, मैंने जो भी मेरे साथ वाक्य हुआ मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऊपर वाले पे छोड़ी सारी बात। मुझे आज तक वो सेटबैक नहीं भूलते कि वो जिस तरह माइक लेकर मेरे पीछे भाग रहा था और उसको शर्म नहीं आई उस आदमी को कि उसकी भी कल को कोई बहन हो सकती है। फोन नंबर जो है वो वायरल किया गया कि इसको परेशान किया जाए, तो मुझे काफ़ी धमकाया गया। मैं जब डरी नहीं, ठीक है, और जब मैं नहीं डरी तो उसके बाद इन्होंने ये सारा मामला मेरे साथ करवाया। सिर्फ रेटिंग के चक्रों में आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, रेटिंग के चक्रों में, ये तो सब इधर ही रह जाएगा। मंटी जी कि मैं लड़कियों को डॉलर्स दे रही हूँ और उनको कह रही हूँ मजहब चेंज करें, और दूसरा इल्ज़ाम मेरे पर ये था कि मैं मुझे इंडिया से सफर नहीं कर। लड़ाई पाकिस्तानी यूट्यूबरों के बीच में हो रही है, लेकिन मजे ले रहे सारे हिंदुस्तानी। और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ, तो मैं और कोई वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ आज। ठीक है, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी और जो विक्टिम है इस नामजद की, उसका नाम है रिभा इमरान, उससे पूछते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चैनल के ऊपर, और हमारे जितने भी व्यूवरशिप है उन सब की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मंटी जी, आपका भी शुक्रिया। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो सब मेरी यूट्यूब फैमिली है, और मुझे सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तो इस वजह से आज मैं यहाँ पर हाजिर हुई हूँ। और मंटी जी आपने मुझे इनवाइट किया उसका भी बहुत शुक्रिया। जी रिभा जी, आजकल हमारे हिंदुस्तान में कुछ चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लेकिन सना अमजद और शोएब चौधरी की जो फाइट हो रही है उसको देख के हमारे हिंदुस्तानी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। एक साल पहले सेम सिचुएशन आपके साथ हुई थी और आपको किसने इस दहलीज पे पहुंचाया? आपका चैनल एकदम ग्रोइंग चैनल था, मिलियंस ऑफ व्यू आ रहे थे, हर वीडियो पे लाखों व्यू आते थे। ऐसा क्या हुआ अचानक से आपने बाहर जाना बंद कर दिया है? क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस को नहीं पता है कि आपके बारे में, आपके साथ एक साल पहले क्या हुआ था। तो मैं थोड़ी सी वो कहानी जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ से आप शुरू हुए थे और कहाँ जाके आज आप बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, और इसके पीछे क्या वजह थी? बंटी जी, जैसे आपको पता है कि मैं एक साल पहले मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था और बड़ा ज्यादा अच्छा काम चल रहा था, लेकिन उसके लिए मुझे काफी लोग क्रिटिसाइज करते थे, थ्रेट करते थे कि तुम काम ना करो, मुझे पहले किसी भी तरीके से इंगेज कर रहे थे कि ये काम करना बंद कर दे क्योंकि रेटिंग अच्छी आ रही थी। सारी गेम रेटिंग की है, और रेटिंग की वजह से जो है आज उस टाइम मेरे साथ ये सिनेरियो हुआ लिबर्टी मार्केट में, जो जिस तरह आपने वो वीडियो देखी, वो क्लिप देखी कि
वो जो कैमरा लेकर वो जो मेरे पीछे भाग रहे थे और जी जी पीछे भाग रहे थे, और कितनी अफसोस की बात है, मेरे ख्याल से उनको शर्म नहीं आई कि उन वो जिस तरह माइक लेकर पीछे भाग रहे थे, क्या उनकी बहने नहीं, क्या उनकी बेटी नहीं होगी? मक्का फातह अमल है बंटी जी, और जो जैसा करता है वैसा भरता है। आप किसी की बेटी को हरास कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कि आप ऐसे खुश रहोगे और क्या आप ऐसे ही रहोगे? और जिन मकासद के लिए मेरे साथ ये सब कुछ करवाया गया वो भी ऊपर वाला जानता है, दिलों के हाल ऊपर वाला ही जानता है, हिसाब बेहतर लेने वाला वही है, वो उसी की जात है जो बेहतरीन हिसाब करने वाली है। बंटी जी अगर आप अच्छा करेंगे ना तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। इवन कि मैं अपने लिए यही तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, अगर मैं बुरा करूंगी तो मेरे साथ भी बुरा होगा। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होता है। तो मेरा सवाल यह है कि जब आपने कहा कि आपके चैनल के व्यूअरशिप बढ़ती जा रही थी, तब आपके दुश्मन जो आपके साथ वाले यूट्यूबर ही थे वो खड़े हो गए अचानक से, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके रिवेन्यू कम आ रहा था, आपकी व्यूअरशिप कम थी, तब कोई था इस टाइप का सेट? क्योंकि जो इस वीडियो को लेकर आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, ऐसे वीडियो तो सनाम जद ने भी बनाए और सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बनाए, हर दूसरे दिन इस टाइप का वीडियो बनता था पहले, आजकल तो इंडिया के जो टॉपिक्स उठपिक करके बनाते हैं, आजकल वैसे वीडियो नहीं बनते, लेकिन हर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाया था, तो आपके वीडियो में ऐसा क्या हुआ था? कुछ स्पेशल था वो, कुछ यूनिक बनाया था? मैंने इंटरव्यू ही किया था सिर्फ, और इल्जाम मेरे पर ये लगाया गया कि मैं लड़कियों को डॉलर्स दे रही हूँ, उनको कह रही हूँ मजहब चेंज करें, और दूसरा इल्जाम मेरे पर ये था कि मैं मुझे इंडिया से फंडिंग आती है, मुझे ये नहीं समझ आती कि मुझे कहां से सभी को इंडिया से फंडिंग आ रही थी, मैं इतना लोग गिराने के लिए ये सब करते हैं कि मैं मुझे किस तरह बदनाम किया गया, किस तरह इन्होंने मेरे साथ ये सारा मामला जो है वो करवाए। तो बहरहाल मैं फिर वही बात करूंगी कि जिस तरह वो मेरे पीछे माइक लेके भाग रहा था, तो कितनी दुख वाली बात है ना कि आप क्या शो करवाना चाह रहे हो, सिर्फ रेटिंग के चक्रों में आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, रेटिंग के चक्रों में, ये तो सब इधर ही रह जाएगा मंटी जी, इवन कि ये रेटिंग, ये पैसे, ये सब कुछ इधर रह जाएगा। इवन कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जब अपने चैनल का आगाज किया था ना, तो मैं अकेली थी यूट्यूब पे, जो मैं अकेले काम कर रही थी, अकेले काम करने से मुराद ये कि मैंने कोई टीम मेंबर नहीं रखा, पता इवन कि सबने पूरी पूरी टीम्स रखी हुई थी, जिसमें एडिटर अलग होता था, जिसमें कैमरा मैन अलग होता था, मैं कैमरा मैन भी खुद थी, एडिटर खुद लिखती थी, लिबर्टी मार्केट में इतना पैसा भेज रहे वहां पे, कमाल कर दिया, कभी किसी से मैंने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, कोई कुछ नहीं, और इस तरह ये सिनेरियो हो गया। पहले तो मुझे काफी धमकाया गया, मैं जब डरी नहीं, ठीक है, और जब मैं नहीं डरी तो उसके बाद इन्होंने ये सारा मामला मेरे साथ करवाया, जिंदगी मुश्किल कर दी, मेरे घर के एड्रेस जो है इन्होंने जो है बड़ा लोगों तक पहुंचाए, मेरे फोन नंबर जो है वो वायरल किया गया, किसको परेशान जो भी हुआ तो बुरा ही हुआ, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, तुम करो ठीक, कोई और करे तो बड़ी तकलीफ, किसी को नहीं करना चाहिए, और मेरी फैमिली को चेंज करना पड़ा। कितने कल्प की बात है कि आप सोसाइटी में मकासद की खातिर किसी को गिरा देते हो कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, कितनी अफसोस की बात है। मुझे आज तक वो सेट बैक नहीं भूलते कि वो जिस तरह माइक लेकर मेरे पीछे भाग रहा था, और उसको शर्म नहीं आई उस आदमी को कि उसकी भी कल को कोई बहन हो सकती है, वो भी किसी के माँ के पेट से निकला है, वो भी अपनी माँ के पेट से निकला है, वो भी उसको किसी ने भेजा था, उसका नाम आप तो नहीं लेगे लेकिन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैंने अपने वीडियो में सबूत भी दिए हैं, अली हमजा के साथ, सना अमजद के साथ काफी फोटो वीडियो वायरल है, अली हमजा के इंटरव्यू भी मैंने डाला, नाम नहीं ले रही क्योंकि पाकिस्तान में बैठी है ना, वो प्लांटेड था, उसको सना अमजद ने भेजा था, मुझे पता आप नाम नहीं लेंगे क्योंकि आपकी जान को खतरा है वहां पर, और आप तो घर से बाहर भी निकलती। तो अब मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ये पिछले एक साल में जो आपका सिनेरियो हुआ, अभी तक घर से बाहर ही नहीं निकलती का आरोप लगाया गया, वो भी एक प्लानिंग था, वो सब प्लानिंग थी उनकी, क्योंकि ये पूरे सहाफी लोग थे, ये जानते थे किस तरीके से वीडियो बनाना है, किस तरीके से सनसनी फैलानी है, और वो वीडियो मिलियंसों में खेला, मिलियंसों में मतलब उसमें व्यू आया, और पाकिस्तान की जनता तो पैसे भी इस्लाम के नाम पे कुछ भी कर गुजरने को तैयार है एकदम, मतलब जहालत का टॉप लेवल है पाकिस्तानी। तो उसके बाद में एक साल जो मतलब ये सब हो गया है, इसके बाद से एक साल होने को आ गया लगभग, तो ये एक साल आपका कैसा गुजरा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका,
हमारी ऑडियंस को बताओ, क्योंकि इतनी पर्सनल बात आज तक मेरे को नहीं लगता कि आपने किसी के साथ शेयर की होगी। पहले मैं किसी के साथ बंटी जी शेयर नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जो जिस चीज को मैंने सफर किया वो मुझे बताना चाहिए। मैंने जो भी मेरे साथ वाक्य हुआ मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऊपर वाले पे छोड़ी सारी बात। और आप कहते हैं कि सारी पाकिस्तानी आवाम जाहिल है, तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा, बिकॉज बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कुछ बेटर भी हैं, कुछ सारे, मतलब नहीं, मेरे बोलने का मतलब है 90% जाहिल है, 10% ठीक है आप जैसे लोग। देखिए बड़ी अफसोस की बात है, अगर मैं आपको पिछले पूरे एक साल के एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे इमीडिएटली जो है अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। घर शिफ्ट, बहुत बहुत तकलीफ में मैंने पूरा एक साल गुजारा। फिर भी थ्रेड्स आते थे 3 महीने जब बाद जब मैंने काम शुरू किया, फिर भी ये लोग बाज नहीं आए। और आपको पता है कि अपने हाथ से चीजों को बर्बाद होते देखना, अपने हाथ से चीजों को जाते देखना, मेरा इतना अच्छा चैनल तब चल रहा था और इन लोगों ने मिलकर सारा कुछ खराब किया और इल्जाम भी क्या क्या लगाए। और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती मेरे साथ किए गए, और मुझे जो थ्रेट्स मिले, मुझे जो धमकाया गया, मेरे फैमिली जो के बहुत शरीफ जो है फैमिली है, ठीक है। अब ऐसा था कि मैं अपने घर वालों को तो नहीं अपनी वजह से, अब ये तो नहीं मैं कर सकती थी कि अपनी वजह से मैं अपने घर वालों को किसी प्रॉब्लम में डालूं। हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, घर शिफ्ट करने के बाद हम लोगों ने मैं बीमार भी, वो होता है ना कि ड्रामा आप उससे निकलते नहीं हो, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रही, किसी से बात की इतनी करती थी, किसी से दोस्ती नहीं है, मैं दोस्ती नहीं रखती थी और ना मैं रखना चाहती हूँ ना दोस्ती। वो कहते हैं ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर। बस मैं अपना काम, अब तो मैं मुझे तो साइडलाइन कर दिया गया, ठीक है, उस वाकयात के बाद मैं तो साइड पे हो गई। चले मैंने खुद ही साइड पे हो, यू कैन स्टिल कंटिन्यू, डर के बैठ गए हो, क्यों डर स्टार्ट समझे। मैंने दोबारा से शुरू से काम शुरू किया, तब भी मुझे जो है वो 1,000 सिर्फ व्यू आता था, लेकिन फिर भी मैं काम करती रही, मेहनत करती रही। और पूरा एक साल 1 महीना मैं बहुत बीमार रही। उस अभी जो आपकी व्यूअरशिप है उससे कुछ गुजारा हो जाता है आपका, मतलब इतनी अर्निंग हो जाती है आपकी? मैं आपको ये सारी सिनेरियो बताती हूँ। उसके बाद हुआ ये कि मैं दोबारा से काम जब स्टार्ट किया तो उन्होंने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन फिर जब मेरी रेटिंग जो है वो डाउन चली गई तो मामला जो है वो फिर उनके थोड़े से दिल को सुकून हो गया कि चलो यार जो हम करना चाह रहे थे तो वो तो पॉसिबल हो ही गया, जो हम करना चाह रहे थे, जिंदगी बर्बाद किसी की करना चाह रहे थे वो तो हो गई। फिर उसके बाद 1 महीना मैं पूरा बीमार रही और मैंने सोचा कि घर बैठकर अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। जब मैं बीमार थी उस बीमारी के दौरान लिटरली मुझे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने, वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। और जब उन्होंने मुझे, मैं यकीन करें बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, जब मैं मुझे टाइम देते थे ना इंटरव्यू का, मैं उठती थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वॉशरूम में जाके अपने मुंह पर पानी का छींटे मारूं, और मैं उठती थी ऐसे ही चेयर पे बैठती थी और एक लिपस्टिक लगाती थी ताकि के लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो टाइम पास कर रही है अपने चैनल पर, और लगा कर, और इवन कि मेरा पूरा मुंह स्वेल था, स्वेल लिटरली। आप मेरी 7-8 महीने पहले की वीडियो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जब मैं डॉक्टर इश्तियाक का इंटरव्यू करी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, फिर नवंबर में मेरी कुछ तबीयत बेहतर हुई तो मैं तब निकली बाहर अपनी फैमिली के साथ। मेरे फादर मुझे लेके गए कि तुम डिप्रेशन में ना जाओ, बट ये था कि मैं ड्रिप लगाने के लिए जाती थी और लगा कर आ जाती थी, और जब मैं आती थी तो बिल्कुल होश नहीं करती थी, सारा दिन सोई रहना, सारा दिन होश ही नहीं करती थी। मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर लिटरली, जब मेरी माँ की आंखों से आंसू निकलते थे तो मैं वो इनको ये वो एहसास नहीं है कि इन्होंने जो गलत किया ना, जो मेरी माँ के आंसू थे ना, तो मैं यही कहूंगी कि मेरी मदर के आंसू मकाफाते अमल है। तो किसी की बहन बेटियों के साथ अगर आप इस तरह करो, आपकी बहन बेटियां भी, आप एक औरत से पैदा हुए हैं। वेरी शॉकिंग, ये है पाकिस्तान, एक दूसरे की जान के दुश्मन, इंडिया के जान के दुश्मन तो हैं ही, ये एक दूसरे के साथ भी जो हैं वो उसमें भी इनको वो उस टाइप की, मैं तो कहूँगा देखिए जो इनके साथ हुआ किसी के साथ भी हो दैट इज बैड, नो डाउट, बुरी बात है कि ये तुम करो करना, मगर एक बात तो उसको तकलीफ, मगर ऑन अ प्रिंसिपल, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है जहाँ पे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंडियंस
चला रहे हैं। बिल्कुल, प्रॉब्लम ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पाकिस्तानी ऑडियंस अगर उनको देखता है, वेरी गुड, आप देखिए पाकिस्तान में नाम कमाइए, हम करोड़पति बनिए, कोई चिंता नहीं है, वो आपका अपना है, आपकी ऑडियंस है, वेरी पॉपुलर अपनी कंट्री में, बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो ट्रू नहीं है, कई बार स्क्रिप्टिंग पकड़ी गई है, ट्रू नहीं है, और वो सारा गेड है कि आप इंडिया के ऑडियंस को अपीस कर सके, इंडिया के ऑडियंस को खुश कर सके, जिससे और इंडिया का ऑडियंस आए और उससे पैसा कमाए। जब पैसा आना बंद हुआ तो तबीयत खराब जाती है, पैसा आना शुरू होता है तो वापस बंदा खड़ा हो जाता है, तो सब कुछ उसी के अराउंड मूव करता है। दुख की बात यह है कि इंडिया की ऑडियंस, उनको पैसा जा रहा है, आप इंडिया की ऑडियंस देखती है, एड्स में जो पैसा बनता है, पैसा उनके पास जाता है, वही पैसा पाकिस्तान के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास, वहीं से उनके सोल्जर्स के पास जाता है, वही सोल्जर्स इंडिया के सोल्जर्स से लड़ाई करते हैं। तो ऑन अ कॉन्सेप्चुअल बेसिस समझदार इंसान को सोचना चाहिए कि भैया अगर तुम पाकिस्तानी यूट्यूबर हो तो पाकिस्तानी ऑडियंस को खुश करो और अपनी ज़िंदगी जियो, इंडिया से तुम्हें कोई लेने देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और अगर हम ये करें तो लोग बोलेंगे आप भी तो कर रहे हो, भैया बंटी जी का कर रहे हैं जो एक इंडियन है। Exactly. और हम तो जो भी अभी देख रहा है बंटी जी का, वो पैसा बंटी जी को जा रहा है, दैट इज ग्रेट, इंडियन को जा रहा है, तो ये फर्क है कि प्रोड्यूस कौन कर रहा है। Exactly. आप किस चैनल को देखते हो, जो चैनल देखते हो वो पाकिस्तान चैनल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली Exactly. तो चलो आप इसे करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।